नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। शिवानी की नैंसी बंसल ने किया शिवानी का नाम रोशन। पूरे हरियाणा में छा गई शिवानी की बेटी। 500 में से 498 अंक लेकर किया पहला स्थान प्राप्त। जी हाँ, शिवानी मंडी के वार्ड नंबर 12 में रहने वाली नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा नैंसी बंसल ने आज पूरे हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें, नैंसी बंसल हमेशा ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। नैंसी की इस बड़ी उपलब्धि से आज नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने बेटी को फोन कर बधाई दी और नैंसी के उज्ज्वल भविष्य के लिए 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की। शिवानी के सुप्रसिद्ध उद्योगपति अमित लोहिया ने 21,000 रुपए व राजेंद्र फोगला ने 11,000 रुपए देने की घोषणा की। मौके पर पहुंची एनपीएस न्यूज की टीम ने भी नैंसी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सर, खुशी इतनी है कि हम जो बोला भाई, अनपढ़ का जमाना अरे माँ पास छा लिया, अरे बुझाऊंगा स्कूल ज्यादा काल पा लिया। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसी पर जबर शिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कन्फ्यूज। फिलहाल आपा शिवानी मंडी पूछे भाई, आज एक मामला सोशल मीडिया के ऊपर चर्चित है कि शिवानी मंडी की जो बेटी है इसने हरियाणा में टॉप स्थान प्राप्त किया है। कैमरा मैन से कहूंगा यहाँ पर पूरी तरफ कैमरा घुमा के दृश्य दिखा दे भाई, जो हमारे गुरुजी रहे हैं, अभी सारे टीचर जो इनके घर मौजूद है। तो भाई नैंसी बंसल जिन्होंने आज पूरे हरियाणा के अंदर मतलब शिवानी नगरी का जो वो नाम है वो रोशन किया है, पूरा स्कूल स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हो। भाई ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस बेटी से हम दो ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत से न्यूज चैनल आगे सुबह से परेशान ये भी हो लेंगे। उड़िया क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी आज आपने पूरे हरियाणा के अंदर टॉप स्थान पर रखी है? सर, मैं खुश बहुत ज्यादा हूँ। पहले तो रिजल्ट सुनते ब्लैंक हो गई थी, फिर बाद में मुझे पता चला थोड़ा बहुत, तो मैं खुश बहुत ज्यादा खुश हूँ। उड़िया 500 में से 498 अंक ले लिए बेटा, 2 अंकों की बात है, क्यों छोटे भी ले लेती है आप? सर, जितना हमें मिलता है हमें उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपने टॉप स्थान हासिल किया है, आप क्या संदेश औरों को देना चाहोगे, किस प्रकार से लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए? सर, मैं इतना ही कहूंगी कि सभी के पास इक्वल राइट्स है, इक्वल फ्रीडम है, तो सभी को अपना काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्या सपना है आपका आगे लेकर, क्या बनना चाहती हूँ? सर, मैं आगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। ये बेटी हमारे साथ थी गुरुजी, बहुत ही खुशी की बात है शिवानी के लिए, आज इस बेटी ने टॉप स्थान हासिल किया पूरे हरियाणा के अंदर, तो किस प्रकार से खुशी जाहिर करेंगे? एक अध्यापक का शिष्य जब तरक्की करता है और ये मुकाम हासिल करता है तो उस अध्यापक की खुशी का अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता। इतनी ज्यादा खुशी होती है, इतनी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो अपनी मूर्त बच्चे में देखता है अध्यापक, और ये चाहता है कि जिस प्रकार से मैं सेवा कर रहा हूँ ये बच्चा भी बड़ा होकर के उसी प्रकार से समाज की सेवा करे। और आज बच्ची ने दिखा दिया है कि मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उसने मेहनत की और मेहनत करके अपने हरियाणा में टॉपर रही, इसके लिए मैं बच्ची को आशीर्वाद देता हूँ और उसके साथ साथ कामना करता हूँ कि वो भविष्य में आज जो उसने करके दिखाया है उससे भी अधिक करके दिखाए, और शिवानी का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का, अपने एरिया का नाम रोशन करे। तो भाई हमारे गुरुजी विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, भैया हमने भी इनसे शिक्षा लेने की है। गुरुजी प्रणाम। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी एक बात कहना चाहूंगा, हम आपके पास आते थे शिक्षा लेने के लिए, उस टाइम से हमारे भी थोड़े कान मरोड़ देते तो शायद आज हम भी और कहीं पाते। समय समय की बात है नरसी, ठीक है ना, उस टाइम आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, इस लड़की बोला भाई, सर खुशी इतनी है कि हम जो शब्द है ना वो बयां नहीं कर सकते, सच्चाई दी है, खुशियाँ कोई ठिकाना नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये गुड़िया आगे, इनका मकसद जो ये है वो आगे और अपना प्रथम लहराए। और इनकी बड़ी बहन अपने साथ गुड़िया, कितनी की खुशी आज दीदी ने, मतलब बहुत ज्यादा खुशी है, जितनी खुशी इसको नहीं ज्यादा मुझे हो रही है आज। क्या नाम गुड़िया? सर मेरा नाम कृष्णा है। कौन सी डिशम पढ़ रही? सर मैं फाइनल ईयर बीकॉम फाइनल ईयर में। तो मतलब गुड़िया ने आज पूरे हरियाणा में टॉप स्थान हासिल किया, खुशी आपको भी है, सभी परिवार को खुशी है, बहुत से पत्रकार साथी यहाँ पर आए होंगे, तो गुड़िया आज तो खुशी का ठिकाना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले मुझे पता चला था परिवार में कि इसका रिजल्ट ये आया, और मैं तो सुबह से खुश थी कि हाँ इसका रिजल्ट यही आने वाला है। पूरे परिवार के अंदर जो है वो खुशी मनाई जा रही है। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके घर ग्रुप में डालियो ताकि ये प्रेरणा ले सके इनसे और प्रेरित हो। बताओ क्या की देर कर दो वीडियो, अगली वीडियो बुलाएंगे फिर एनपीएस न्यूज के लिए। कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।